हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद सलमान। फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक बेसिक टू एडवांस लेवल की क्लास, जिसमें मैं आपको 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस कराऊंगा जो आपकी डेली कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं एंड जिनके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। एंड मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप किसी एकेडमिक क्लास में हैं या आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोनों ही लोगों के लिए ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मेरी न्यू सीरीज़ है। इट्स डजेंट मैटर कि आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, अगर आप क्यूरियस हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, तो मेरी इस सीरीज़ से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा यूज़ है वो है इट। इट को हम न्यूट्रल इट भी बोलते हैं, मींस जहाँ पर सब्जेक्ट या कर्ता सुलभ नहीं होता, वहाँ हम इट का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किसी भी सेंटेंस का, उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम सभी जानते हैं, बट यहाँ पर हम इट, इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हम इट वर्ब वी मींस एज एम आर वाज वर प्लस अदर वर्ड्स, जो भी उसमें अदर वर्ड्स हैं सेंटेंसेस में। इसका रूल्स देख लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ इट का यूज़ करेंगे। देखिए, टाइम के लिए करते हैं, डेज, वेदर, रेन, डिस्टेंस मींस नेचुरल इंसिडेंस, जितने भी नेचुरल इंसिडेंस हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, अब 5 बजे हैं। देखिए, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इट का यूज़ करेंगे एंड हमने बताया था टाइम के लिए इट का यूज़ करते हैं। तो अब 5 बजे हैं, इट इज़ 5 o'clock, अब के लिए नाउ का यूज करते हैं। अब 5 बजे हैं, प्रेजेंट का है, अगर अब 5 या था थी थे आते तो हम वाज वर का यूज करते, तो अब 5 बजे हैं, इट इज 5 o'clock नाउ। आज रविवार है, इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम करेंगे इट इज संडे टुडे। नेक्स्ट है, आज बहुत गर्मी है, इसमें भी फ्रेंड्स हम वेदर की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर इट का यूज करेंगे, इट इज वेरी हॉट टुडे। नेक्स्ट है, अंधेरा हो रहा है, इसमें भी फ्रेंड्स हम कहीं ना कहीं किसी वेदर या समय की बात कर रहे हैं या नेचुरल इंसिडेंस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी हम इट का यूज़ करेंगे एंड ये कॉन्टीन्यूअस टेंस है। कॉन्टीन्यूअस टेंस में आपको मालूम है कि हम वर्ब में ing का यूज़ करते हैं, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे इट से, इट से बनाएंगे इसको भी, इट इज़ गेटिंग डार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, जून का महीना है। फ्रेंड्स, इसमें भी हम समय की बात कर रहे हैं तो इट का यूज़ करेंगे और इसमें था है मींस पास की बात है, तो हम पास में वाज वर का यूज़ करते हैं। एग्जांपल बनेगा इट वाज द मंथ ऑफ जून। लास्ट सेंटेंस है जिसमें हम किसी डिस्टेंस, दूरी की बात कर रहे हैं, यहां से 10 किलोमीटर दूर है, मींस इट इज 10 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, यहां से, फ्रॉम हेयर। फ्रेंड्स, ये इट का बहुत बेसिक यूज है। इसके अलावा हम इट का एडवांस यूज भी सीखेंगे, जिसमें हम नेचुरल इंसिडेंस के अलावा किसी इन्फेंट के बारे में बात करते हैं या हम किसी बात पर जोर देते हैं, एम्फेसिस देते हैं, उसमें भी हम इट का यूज़ करते हैं एंड हम
जानवर पशु पक्षियों के लिए मीन्स एनिमल्स के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इट का एडवांस रूल। ये बेसिक रूल है, इसे समझ लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट इंक्वायरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और ये फर्स्ट वीडियो है फ्रेंड्स इस सीरीज़ की, इसमें 49 यूजेज और हैं जो डेली कम्युनिकेशन में हम यूज़ करते हैं। उसमें मैं मॉडल्स भी कवर करूंगा जो वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप आपको समझाऊंगा, आपका एक एक डाउट क्लियर करूंगा। आप बस देखते रहिए, सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।